अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे तरकारी का अचार। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए अचार का मसाला बना के तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए लेंगे हम 2 टीस्पून राई, 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून मेथी के दाने, 2 टीस्पून ज़ीरा, 2 टीस्पून धनिया। अब हम ये सब चीज़ों को एक साथ में भून लेंगे। तवे को गरम कर लेंगे और इसके बाद में हम इसके ऊपर डाल देंगे ये सब चीज़ें और हल्का सा भून लेंगे। हल्का सा कलर चेंज होने तक ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भुनेंगे। अब ये अच्छे से भुने गया तो अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से पीस लेना है। अचार का मसाला बिल्कुल रेडी है और ये अचार बनाएंगे हम कच्ची इमली के साथ में। तो कच्ची इमली को हम सबसे पहले धो लेंगे और धो लेने के बाद में इसके छोटे छोटे टुकड़े करके रख लेंगे और इसके अंदर का जो बीज रहता है वो भी निकाल लेंगे। तो 250 ग्राम कच्ची इमली लेंगे हम। अदरक लेंगे हम 1 टेबल स्पून कटी हुई अदरक और 30 लहसुन की कलियाँ। हरी मिर्च लेंगे 250 ग्राम और इसको भी अच्छे से धो लेने के बाद में इसके छोटे छोटे टुकड़े करके रख लेंगे इस तरह से। और ये सब चीज़ें अब हम एक साथ में कर लेंगे। कच्ची इमली, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, ये सब चीज़ों को एक साथ में करके अब हम इसको कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि इसको दरदरा कूट लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से पीस लेना है। तो इसको पीस लेने के बाद में अब हम नींबू का रस निकाल कर रख लेंगे। 2 नींबू लेंगे। तो नींबू का भी रस हम निकाल कर रख लेंगे। अब हम तरकारियों में लेंगे गवार की फली 150 ग्राम, सेम की फली 150 ग्राम, गाजर लेंगे 250 ग्राम, आलू 250 ग्राम, हरा मटर लेंगे 150 ग्राम, धोंडे लेंगे 150 ग्राम। तो ये सब चीज़ों को हम इस तरह से काट कर रख लेंगे जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब हम तरकारियों को फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए अब हम एक पैन में कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे 500 ml। ऑयल को हम मीडियम हीट पे गरम कर लेंगे और इसके बाद में ये सारे वेजिटेबल्स एक साथ में ऐड कर लेंगे कढ़ाई में। तरकारियाँ ऐड कर लेने के बाद में अब हम इसको अच्छे से मिलाकर पहले 5 मिनट के लिए मीडियम हीट पे पका लेंगे। और 5 मिनट तक इसको पका लेने के बाद में अब हम लो हीट पे पका लेंगे। दोबारा से इसको ढक्कन से कवर कर देंगे 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि जो तरकारियां हैं वो अच्छे से गल जाए। और ये तरकारियां पकने के दौरान में हम बीच बीच में चम्मच से हिलाते भी जाएंगे। तो 20 से 25 मिनट तक इसको पका लेने के बाद में अब ये जो तरकारियां हैं वो अच्छे से गल गए। ये देखिए, बिल्कुल नरम हो गई है। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। फ्लेम ऑफ़ कर लेने के बाद में नमक ऐड कर लेंगे 2 टीस्पून, अचार मसाला ऐड कर लेंगे 3 टीस्पून। ये वही अचार मसाला पाउडर है जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बनाया था। तो नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। कच्ची इमली और हरी मिर्ची का जो पीसा हुआ पेस्ट है वो ऐड कर लेंगे। नींबू का निकाला हुआ रस ऐड कर लेंगे। 2 नींबू का रस है तो नींबू का रस ऐड करने से अचार जो है ज़्यादा दिन तक अच्छा रहता। तो नींबू का रस ज़रूर ऐड कीजिए इसके अंदर। अब हम अच्छे से मिला लेंगे ये। अब हम अचार को बगा लेंगे। तो बगाने के लिए कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे हम पैन में 250 ml। अब हम बगाने के लिए लहसुन की कलियां लेंगे 10 से 12, राई ज़ीरा ऐड कर लेंगे 1-1 टीस्पून, थोड़ी सी कलौंजी और मेथी के दाने भी ऐड कर लेंगे और यह लाल सूखी मिर्च, करी पत्ता, अच्छे से मिला लेंगे। और इसके बाद में अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। यह बघार बिल्कुल रेडी है। अब हम अचार को बघार लेंगे। अब ये अचार बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए
और अगर ये अचार को रूम टेम्परेचर पे रख रहे तो 2 से 3 दिन के लिए रख सकते हैं, और अगर फ्रिज में रखना चाह रहे हैं तो 1 महीने तक भी अगर रखेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिए, और अगर ये रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।